जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम ऊन से बुधवार सुबह दो छात्र अचानक बीमार हो गए। लगातार उल्टियां होने से उन्हें ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया गया, जहां एक बालक की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल से मिली जानकारी अनुसार हरिओम चौहान को बेहोशी की हालत में भर्ती किया गया है। चिकित्सकों के मुताबिक फूड पॉइजनिंग के लक्षण हैं, फिलहाल उपचार जारी है। उपचाररत बालक के पिता सुमेर सिंह ने उनके बेटे के स्कूल पहुंचने के एक घंटे बाद ही स्कूल से सूचना मिली कि हरिओम को उल्टियां हो रही है। अस्पताल पहुंचे तो एक अन्य बालक भी भर्ती था, उसकी हालत में सुधार था। बच्चों के मुताबिक सेव परमल खाने से इसकी तबीयत बिगड़ी, हालांकि स्कूल में लंच टाइम नहीं था। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। मेरे को फोन लगा घर पे, उल्टी हुई इसको, कि तुम्हारे बच्चों को उल्टी हरिओम को हो रही, तुम इसको लेने आ जाओ, मैं खरगोन ले जाएंगे। वहाँ भर्ती किया था सरकारी में। कहाँ रहते, कहाँ है? नंदगांव। कौन सी स्कूल? नंदगांव रोड पे। कौन सी स्कूल पढ़ते हैं? लॉरेंस। सर कितने क्लास में? दसवीं। तो कब गए थे स्कूल ये बच्चे? सुबह से गए थे स्कूल? सुबह 10 बजे। 10 बजे आपको सूचना कब मिली? एक घंटा डेढ़ घंटे बाद। तो एक घंटे में वापस सूचना मिली। क्या बताया उन्होंने? वो बोल रहे थे कि कोई उल्टी कर रहा है तुम्हारा बच्चा, लड़का। और भी बच्चे थे ना उनको? हाँ, एक लड़का और था, वो उसको भी बिठाया था गाड़ी में, एम्बुलेंस में, तो उसको उतार लिया उसका पिता। कुछ खाने में कुछ खाया था क्या? घर से खाना खाया था, सेव परमल का बात बता रहे। सेव परमल खाने से? बाकी स्कूल अब घर से नहीं ले गया था ये? नहीं, ट्रिपल ले गया था। तो इनको स्कूल से ला रहे हैं? स्कूल से ला रहे हैं। क्या बच्चे लाए थे? दो। हाँ। एक और कहाँ है? एक बच्चा वही उतार लिया, वो बेटा उसका पिताजी ने उतार लिया। क्या नाम है तुम्हारा? सुमेर सिंह का। सिर ये बच्चे का नाम? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।